मैंने एक सेंटेंस डाला था यूट्यूब पे, अगर आपने देखा हो। क्या आएगा बताना जल्दी। डाला था ना ये सेंटेंस, कंग्रेचुलेशंस, मतलब वहां पे कंटेक्स्ट कुछ और होगा। मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिखा है, कंग्रेचुलेशंस ब्लैंक योर सक्सेस फॉर ऑन एट, और एक आधा ऑप्शन और होगा, पता नहीं। मैं देख रहा था बच्चे कमेंट कर रहे थे, ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट किया है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जो पोस्ट आती है ना, फोटोज आती है, मैंने उस पर क्वेश्चन डाला हुआ था। शंकर गोयल ने कमेंट किया है, कंग्रेचुलेशन इज ऑलवेज गो विद ऑन प्रेपोजिशन, ठीक है शंकर गोयल जी। तो यहाँ पे मुझे बताना कि यहाँ पे क्या आएगा। तो मैंने आंसर बोल दिया, उस बच्चे ने लिखा है जो, ठीक है। तो कंग्रेचुलेशंस के साथ हम किसका यूज करते हैं, ऑन का, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, फॉर का यूज क्यों नहीं करते, एट का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि जब भी आप किसी को कंग्रेचुलेट करते हैं ना, तो जब भी आप सोचो, पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप सोचो कि ऐसा क्यों। मैंने आपको आंसर बता दिया कि ऑन, ठीक है। अब भी मेरे को रीजन बता दो कि ऐसा क्यों हुआ, जल्दी से बता दो। मैं आपके आंसर्स कमेंट्स पढ़ रहा हूं, जल्दी से, बी फास्ट। बताओ भाई, बताओ जल्दी जल्दी। वेडिंग था सर, चलो जो भी है, मैंने सक्सेस लिख दिया, ये वेडिंग लिख लो, लो वेडिंग लिख लो, कुछ भी लिख लो आप, ठीक है। कंग्रेचुलेशन ब्लैंक विनिंग द मैच, कुछ भी लिख लो, ठीक है। चलो जल्दी से बता दो, बड़ा टाइम लगाते हो यार आप लोग। चलो मैं बताता हूं, जब भी आप कभी कंग्रेचुलेट करते हो किसी को, अगर आप कभी भी कंग्रेचुलेशंस कर रहे हो, ठीक है, दे रहे हो किसी को, बिड कर रहे हो कंग्रेचुलेशंस, तो कब करोगे, जब कोई क्या होगा, जब कोई क्या होगा, बधाई कब देते हो भाई किसी को, जब कोई ओकेजन होता है। तो ये ना एक ओकेजन है, ये क्या है, एक ओकेजन है, और ओकेजन के लिए हमेशा ही हम किसका यूज करते हैं, याद रखना अपनी लाइफ में, ओकेजन के लिए हमेशा ही ऑन यूज किया जाता है। ऑन योर बर्थडे, ऑन मून लिट लाइट, ठीक है, एक ऐसी चांदनी रात जिसको हम बोलते हैं, ऑन विनिंग द मैच, ठीक है, ऑन योर वेडिंग, ऑन योर सक्सेस, कुछ भी लिख लो, वो सारे के सारे क्या है, एक ओकेजन है, और ओकेजन के लिए हमेशा ही हम किसका यूज करते हैं, ऑन का, ठीक है। तो अगर शंकर गोयल जी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप आज के बाद याद रखना, ठीक है, कि ऐसे मत याद रखना कि कंग्रेचुलेशंस के साथ ऑन आता है, ऐसे याद रखना कि कंग्रेचुलेट तब करते हैं जब एक ओकेजन आता है, और ओकेजन के लिए ऑन यूज किया जाता है, इससे आपको बाकी चीजें भी याद रह जाएंगी, ठीक है। चलो अच्छा, बधाई देने जाते तो बधाई के लिए ऑन आएगा, वाह चलो ठीक है, आपने जैसे याद कर लिया, आई होप अब आपको याद रहेगा। ही मेट मी ठीक है। तो भाई लैंग्वेज अपने आप में इतनी ज़्यादा टिपिकल है ना, कि अगर आप उसको नहीं समझोगे तो फिर वो मतलब दिक्कत हो जाएगी। पहले वाले में क्या आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा, चलो ट्रांसलेटिव इन ट्रांस ये तो छोड़ दो, पहले ये बता दो अब, ठीक है। अब मेरे माइंड में जब डाउट्स आ गए तो फिर आप डिस्कस कर ही लेते हैं।
सर हम टाइम कम लेते हैं, नेट ज़्यादा टाइम लेता है। नेट, अच्छा पता नहीं क्या कह दे यार अपने, पहले वाले में क्या आएगा दूसरे वाले में क्या आएगा। बात तो यहाँ पे भी नाइट की हो रही है, यहाँ पे भी नाइट की हो रही है, लेकिन ये नाइट एक ओकेजन है। क्यों? क्योंकि ये नाइट डेली नहीं आती, ठीक है? तो आप समझ पा रहे हो, अब आपको पता है इसका रीजन क्यों है, ये ऑन आया तो ऑन क्यों आया। इस तरीके से लैंग्वेज को सीखो अगर सीखना है तो। और यहां पे ऐड क्यों आया, ये हम प्रेपोजिशन में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो।